बिहार की तस्वीरों का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन सौरभ आपका स्वागत करता हूं। एक जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जो एनडीए के बीच जो घमासान मचा हुआ था, आज उस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये समुद्री जो तूफान थी वो बिल्कुल शांत हो गई है, जबकि एक जो खबर आ रही थी चिराग पासवान को लेकर के, जो उनकी स्थिति थी वो अस्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है। चिराग पासवान की जो बेरुखी थी उसके जो कारण हैं, उसके जो कारक हैं, वो स्पष्ट होते हुए दिख रहे हैं। एनडीए में चिराग पासवान एलजेपी जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके प्रमुख हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार से उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। और अब जो ये कयास लगाया जा रहा था, भारत लाइव की टीम जो लगातार आपको बता रही थी कि उनकी नाराज़गी सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि नीतीश कुमार जो उनको और उनकी पार्टी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं एनडीए में, उसको लेकर के उनकी नाराज़गी का जो हम लोग जो कयास लगा रहे थे, लगातार आपको बता रहे थे, वो सारी खबरें सत्य होती हुई अब प्रतीत होती दिख रही है। आपको बता दें कि मसला ये है कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि 2019 के लोकसभा सीट के दौरान जो एनडीए के, जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, अगर अभी की बात करें तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि एलजेपी को जो है विधानसभा चुनाव में 42 सीटें मिलेंगी, लेकिन सीटों को लेकर के वो नीतीश कुमार से लगातार बातचीत करने की कोशिश में है। और वो उनका आरोप है कि वो अपने क्षेत्र के विभिन्न मसलों को लेकर के भी नीतीश कुमार से लगातार बातचीत की कोशिश में है। वो उनके कार्यालय के नंबर पे, वो उनके घर के नंबर पे लगातार संपर्क साधने की कोशिश में थे, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है और न ही नीतीश कुमार ने उनसे मिलने की जो है कोशिश की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मिलना तो दूर, नीतीश कुमार जी उनसे फ़ोन पर बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब एलजेपी का एनडीए के साथ गठबंधन हुआ था, उस दौरान उन्हें 7 सीटें मिली थी। तो चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि जो एक पारंपरिक जो आपको प्रोसेस है विधानसभा सीटों के निर्धारण का, उसके अनुसार लोकसभा में जितनी सीटें मिलती है उसके 6 गुना सीट जो है विधानसभा चुनाव में मिलती है। तो इसको लेकर के इस हिसाब से देखें तो 42 सीट जो है चिराग पासवान मांग रहे थे, लेकिन जब लोकसभा 2019 की बारी आई उस दौरान एलजेपी के कोटे से 7 के बदला 1 सीट जो है राज्यसभा के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया। इस दौरान चिराग पासवान जो है उन्होंने अपना विरोध अमित शाह के पास दर्ज किया था, लेकिन अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको जो मिलने वाली सीटें हैं उसके साथ कोई फेरबदल नहीं की जाएगी। लेकिन जो अभी जो तो स्थिति है बिहार में, उस पर नीतीश कुमार से उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार जो है उनकी पार्टी को छोटी पार्टी मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये हमला करते हुए नीतीश कुमार पर कहा कि गठबंधन में और बिहार की राजनीति में कोई पार्टी छोटी नहीं होती है। साथ ही साथ उन्होंने एक और जो बड़ी बात कह दी है, जो एक जो खबर आ रही थी कि उनकी बातचीत हुई है गठबंधन को लेकर के हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर के बात हुई है, उस पर उन्होंने विराम लगाते हुए कह दिया है कि भूपेंद्र यादव से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने सवालिया लहजे में, उन्होंने मजाकिया लहजे में सवाल करते हुए कहा कि पता नहीं ये सूत्र कौन से हैं जहाँ से ये खबर आ रही है कि भूपेंद्र यादव से उनकी सीट शेयरिंग को लेकर के बात हुई है। तो ये जो सारी जो बातें हैं एक ही तरफ इशारा करते हुए दिख रही है कि चिराग पासवान जो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, चाहे चिट्ठी लिखने की बात आई, चाहे लगातार ट्वीट का मसला हो, चाहे बयानबाजी का मसला हो, तो कहीं ना कहीं जो एक जो बात जो भारत लाइव की टीम आपको लगातार बता रही थी कि सारी जो विवाद है उसका एक ही जड़ है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान से बातचीत नहीं कर रहे हैं, न ही उनको महागठबंधन में भाव दे रहे हैं। तो ये सारी खबर जो है सत्य प्रतीत हुई है। तो खबरों का सिलसिला जो है लगातार भारत लाइव पर जारी है। और अधिक खबरों के लिए, बिना मिलावट के खबरों के लिए देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।